हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के शिक्षा शास्त्र के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एजुकेशन पर वीडियो बनाए, किस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में नए पैटर्न पर आधारित वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे इस साल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन आ चुके हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डेट दिए गए हैं, बट एग्जामिनेशन सभी के जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। जुलाई मंथ में सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिछले 5 वर्षों का निचोड़ आपके सामने लेकर के आए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंड आपको करना क्या है, जस्ट आपको इसको शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करो और जितना भी जहां तक आप फैला सकते हो, आपके ग्रुप्स हो, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका जो भी ग्रुप है जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि आपकी वजह से कई सारे लोगों की हेल्प हो सके, कई सारे लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो इसी तरह से वीडियो आपको डेली वीडियोस मिल रहे हैं, डेली आपको मेरे चैनल पर प्रीमियर होते हुए वीडियोस मिल रहे हैं, जहां पर आकर के लाइव आप अपने जो भी क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का आप खुद जवाब दे सकते हैं, फिर आपको उसका जवाब दिया जाएगा और उससे मैच करके आप एक तरह से टेस्ट सीरीज की तरह इसको दे सकते हैं एग्जामिनेशन जो आपका सामने क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार सब्सक्राइब, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवाचार है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या नवाचार है, क्या है नवाचार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका एक तकनीकी है नवाचार, बी ऑप्शन है आपका एक विधि है नवाचार, थर्ड ऑप्शन है आपका एक परिवर्तन है नवाचार, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक योग्यता है नवाचार। तो बताओ नवाचार क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा नवाचार। नवाचार मतलब कुछ नए आचार विचार आए आपके अंदर, कुछ चीज़ें क्या हो आपके लाइफ में नया हो। और नया हमारी लाइफ में कब होता है, कोई चीज़ कुछ चीज़ें नई हो रही हो, नई मतलब क्या हमारा जो पुराना सिस्टम था, पुरानी चीज़ें थी, पुराने ख्याल तो तब कुछ भी जो हमारा ओल्ड वर्जन था उस वर्जन से नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना ही क्या होता है नवाचार। और नेक्स्ट लेवल पर हम कैसे पहुंचते हैं, दिमाग लगाओ और जवाब दो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का, कि हम कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी जगह पर अगर फंसे हुए हैं उससे नेक्स्ट लेवल में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में। तो वही है नवाचार, हम आगे बढ़ करके नई चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो नवाचार कहलाता है। तो नवाचार क्या है, एक तकनीकी है, एक विधि है, एक परिवर्तन है, या एक योग्यता है। किसके द्वारा नवाचार लाया जा सकता है ये नहीं पूछा जा रहा, नवाचार बेसिकली है क्या। तो नवाचार दोस्त एक परिवर्तन है, एक चेंज आया, हम किसी जगह पर थे, किसी जगह पर स्टक थे, या किसी चीज को लेकर कुछ हमारे अलग ख्याल थे, हमने उसको क्या किया चेंज किया, हम परिवर्तित हुए और नए विचारों में आ गए, तो वही क्या कहलाएगा आपका नवाचार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नौ गत्यात्मक परिवर्तन में व्यक्ति में परिवर्तन होता है। जो नौ गत्यात्मक परिवर्तन होता है उसमें व्यक्ति में क्या परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन है उसकी सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, या व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। जल्दी से बताओ, जो नव गत्यात्मक हम नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसमें व्यक्ति में क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या व्यक्ति में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है, सामाजिक आता है, व्यक्तिगत आता है, या व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों आता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। व्हाट विल बी योर करेंट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ब्रो, जल्दी से कमेंट करो बहन, आप सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। हाँ जी, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दोनों परिवर्तन आता है। जब हम नौ गत्यात्मक परिवर्तन में जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों परिवर्तन आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का, वो क्या है, विकास संबंधी परिवर्तन होता है। विकास संबंधी परिवर्तन क्या होता है, क्या वो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, बौद्धिक परिवर्तन होता है, या फिर सभी, क्या होगा इन चारों में से आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। कि जब हम विकसित होते हैं, एक विकसित समाज जिसको कहते हैं कि हम किसी जगह पर थे और उससे विकसित होकर के एक नेक्स्ट लेवल पर अपनी लाइफ में पहुंच चुके हैं, तो विकास संबंधी जब ये सब चीज़ें होती हैं उसमें परिवर्तन क्या होता है, क्या सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, बौद्धिक परिवर्तन होता है, या उपरोक्त सभी, क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड, कमेंट्स सभी के आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए क्या होगा आपका राइट आंसर, आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा कि क्या हो सकता है विकास संबंधी परिवर्तन, क्या होता है, सभी को पता होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्या? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। विकास संबंधी परिवर्तन सांस्कृतिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, यानी कि क्या हो सकता है इसका आंसर? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्त। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, ये देखो तुम्हारे सामने ये रहा कि प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन आधारित है। किस चीज पर आधारित है प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन? आपके ऑप्शन हैं ज्ञान पर, शरीर पर, आवश्यकता पर या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन आधारित है किस चीज पर? सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन किस चीज पर आधारित है। कमेंट सभी के कमेंट्स आने चाहिए। राइट आंसर दोस्त इसका आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन किस पर आधारित होता है? आवश्यकता पर। कोई चीज की अगर आपको आवश्यकता है तो आप उस पर रिएक्शन देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, किस तकनीकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है? कौन सी ऐसी तकनीकी है जिसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और व्यापक है? आपके ऑप्शन है अनुदेशन तकनीकी, बी ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी, सी ऑप्शन है व्यवहार तकनीकी एंड डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से कमेंट करो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करो सभी लोगों को कमेंट्स करना है। चारों आपके सामने दिख रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर। दोस्त आपका जो राइट आंसर है ना, कौन सी तकनीकी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर पी, शिक्षण तकनीकी जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा तकनीकी है। तो शिक्षण तकनीकी आपका राइट आंसर है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा इन नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। किन नवाचारों का? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमिक अध्ययन, संगणक या सभी। राइट आंसर क्या होगा आपका इन चारों क्वेश्चंस के लिए? जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? कमेंट सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। जल्दी से कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी करो कमेंट सभी लोग, क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? शैक्षिक तकनीकी के द्वारा इन नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। किन नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ है जल्दी से बताओ। तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवंथ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? नवाचार एक ऐसा विचार, व्यवहार या पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान रूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह परिभाषा है, यह किसकी परिभाषा है कि नवाचार एक ऐसा विचार, व्यवहार या पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान रूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है? यह किसकी परिभाषा है? आपके ऑप्शन है रोजर्स, वार्नेट, माइलैक्स और मोला। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? कमेंट सभी लोग कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नवाचार एक ऐसा विचार, पदार्थ या व्यवहार है जो नवीन है और वर्तमान रूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, या किसकी परिभाषा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। कमेंट करो 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 सभी लोग कमेंट आने चाहिए। तो राइट आंसर दोस्त आपका इस क्वेश्चन के लिए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन के लिए, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, वार्नेट। ये कथन, ये परिभाषा वार्नेट ने दिया हुआ है कि नवाचार एक ऐसा विचार, व्यवहार या पदार्थ है जो नवीन और वर्तमान रूप में गुणात्मक दृष्टि से क्या है? भिन्न है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एट नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? आपके ऑप्शन हैं साइंस से, टेक्निकोस से, टेक्सचर से या बी और सी दोनों से।
जल्दी से कमेंट करके बताओ टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस से हुई है या टेक्निकोस से हुई है, टेक्सचर से हुई है या बी और सी दोनों से हुई है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शंस आप सभी लोगों को दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। बताओ बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि टेक्नोलॉजी वर्ड जो आया है ये कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है टेक्नोलॉजी टर्म की। जल्दी से कमेंट करके बताओ टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन से टर्म से हुई है, कौन से शब्द से हुई है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना दोस्त, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है टेक्निकोस। टेक्निकोस शब्द से टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है। आपके ऑप्शन है अज्ञानता, व्यक्तिगत संबंध या दोनों या कोई नहीं। क्या होगा आपका राइट आंसर इन चारों क्वेश्चंस में से, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा। नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है। आपके ऑप्शन है अज्ञानता, व्यक्तिगत संबंध, दोनों या कोई नहीं। वेटिंग 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 फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसका आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है, दोनों, अज्ञानता और व्यक्तिगत संबंध। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है। शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है मशीनों का प्रयोग, दृश्य साधनों का प्रयोग, कला और विज्ञान का उपयोग या सभी। जल्दी बताओ, आई होप इट इज द इजिएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन फेस। राइट आंसर क्या हो सकता है आपका, शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य है, क्या मशीन का प्रयोग तात्पर्य है या दृश्य साधनों का प्रयोग या कला और विज्ञान का उपयोग या सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स यार। तो आपका जो राइट आंसर है ना 10th नंबर क्वेश्चन के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 10th नंबर क्वेश्चन के लिए। आओ आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रायन मोर, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका एस एल प्रेसी एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका सिल्वरमैन। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्त, वो है इन चारों में से आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, ब्रायन मोर। ब्रायन मोर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। कौन, ब्रायन मोर। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन, देखो नवाचार और परिवर्तन संबंधित है। जो नवाचार की टर्म हो गया या परिवर्तन का टर्म हो गया किससे संबंधित, क्या ये व्यक्ति से संबंधित है, शिक्षा से, समाज से या पशु पक्षियों से, किससे संबंधित है। नवाचार और परिवर्तन कैसे होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, व्यक्ति की वजह से, शिक्षा की वजह से, समाज से या पशु पक्षियों से। जल्दी से कमेंट करो, नवाचार और परिवर्तन संबंधित हैं किस चीज से, व्यक्ति से, शिक्षा से, समाज से या पशु पक्षियों से। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताओ। तो दोस्त इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
देखो अगर कभी आपसे एग्जाम में इस तरह से व्यक्ति भी दिया हुआ है, शिक्षा भी दिया हुआ है, तो आप शिक्षा को लगाओ, क्योंकि शिक्षा अगर व्यक्ति लेता है तभी वो नवाचार कर पाएगा या परिवर्तन ले पाएगा। और अगर आपसे ऑप्शन में शिक्षा नहीं दिया हुआ है, व्यक्ति दिया हुआ है, समाज दिया हुआ है, कुछ और चीज़ें दिया हुआ है, तो आप व्यक्ति को लगाओगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये होगा, एंड अगर ये नहीं है तो सेकंड इसको आप प्रीफर कर सकते हो। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का कि नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया है, नवाचार जो नई नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नया एक्सेप्टेशन, उसको अपनाने की मुख्य प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका जानकारी, जिज्ञासा और परीक्षण, बी है मूल्यांकन और अभिस्वीकरण, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? आई अंडरस्टैंड दैट यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से कमेंट करके बताओ 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा राइट, बी होगा राइट, सी होगा राइट, या डी होगा राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स मैन। नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया है, क्या है नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया, जल्दी से बताओ। कमेंट्स आ रहे हैं दोस्त आप सभी के। देखो आप कमेंट करते हो ना, एक तरह से आप चीज़ों को लिखते हो, और जब किसी चीज़ को आप राइट डाउन करते हो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, क्योंकि एक बार आप कमेंट करते हो फिर मैं उसका आपको राइट आंसर बताता हूँ, जिससे कि आप मैच करते हो। अगर आपका राइट आंसर मैच हो गया तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आपको पता है आंसर्स। आप जो क्वेश्चन हैं इसमें से इतने क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हो, इसका मतलब आपके एग्जामिनेशन में भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को इसी तरह से इजीली कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपका कुछ गलत जा रहा है, तो आप राइट आंसर देख पाओगे। तो फिर आपको जब कभी ऐसे ऑप्शन या ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे तो आपको तुरंत वो चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कि यार मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ था, ये आंसर मैंने दिया हुआ था, और मेरा गलत होकर के सही आंसर सर ने ये बताया हुआ था। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रहती हैं, तो इसीलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, तो सभी के कमेंट्स आने चाहिए। तो राइट आंसर दोस्त आपका 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगर आपको नया चीज़ अपनाना है तो उसके लिए आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ नया है, या इतना बेनिफिशियल है, इतना अच्छा है, इसको जानना ज़रूरी है। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, वरना सभी लोग रहते हैं जो चल रहा है ठीक है ना, क्या जानने की ज़रूरत है। और परीक्षण की भावना होनी चाहिए कि आप वेरीफाई कर पाएं कि हाँ जो चीज़ें आप चेंजेस लाने जा रहे हो क्या वो सही भी है। जैसे दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है मूल्यांकन, क्या आप मूल्यांकन कर पाओ कि क्या जो वैल्यूज आप अपनाने जा रहे हो, कि आपके जो पुराना वर्जन का वैल्यू है क्या उससे अच्छा है या उससे भी घटिया है जो आप नए के नाम पर अपनाने के लिए रेडी हो कि हाँ कुछ चीज़ें नई आ गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुरानी चीज़ खराब है, नई चीज़ अच्छी है। उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है, अभिस्वीकरण भी जरूरी है। तो नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया ए और बी दोनों है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन कि किसने शिक्षा तकनीकों को तीन प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है। शिक्षा तकनीकी जो है उसको तीन प्रमुख उपागमों में किसने वर्गीकृत किया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका लूम्सडेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिल्वरमैन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका रॉबर्ट। तो इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन के लिए बताइए। शिक्षा तकनीकी को तीन प्रमुख उपागमों में किसने वर्गीकृत किया है, कमेंट करो। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। कमेंट करो, कमेंट करो। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। वेटिंग यार, मैं आप कमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन का, आपका ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर है। शिक्षा तकनीकी को तीन प्रमुख भागों में जो है वर्गीकृत करने वाले हैं लूम्सडेन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वन है। आगे बढ़े दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 15 नंबर का क्वेश्चन कि शैक्षिक तकनीकी प्रयोग है, जो शैक्षिक तकनीकी है वो किस चीज़ का प्रयोग है। आपके ऑप्शन हैं, आपकी भाषा का प्रयोग है, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, कला का प्रयोग है, या ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयोग है। शैक्षिक तकनीकी किस चीज का प्रयोग है, कमेंट करो, कमेंट करो। सभी लोग कमेंट्स आने चाहिए कि शैक्षिक तकनीकी किस चीज का प्रयोग है। क्या शैक्षिक तकनीकी भाषा का प्रयोग है,
या शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, या शैक्षिक तकनीकी कला का प्रयोग है, या शैक्षिक तकनीकी ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयोग है। जल्दी से जो भी मन में आपके आ रहा है कि इट मस्ट बी करेक्ट आंसर, आप कमेंट करो। अगर आपका गलत होता है तो राइट आंसर के लिए तो मैं हूँ ही यार, बताऊंगा आपको राइट आंसर। आप जल्दी से कमेंट करो कि क्या आपके हिसाब से, आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहला ऑप्शन आपके माइंड में क्या आएगा कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, कमेंट करके बताओ मुझे। तो राइट आंसर दोस्त आपका इसका होगा ना, आपका ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ही शैक्षणिक तकनीकी है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता का क्षेत्र है, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता का क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी अधिगम, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, एंड ऑप्शन नंबर डी सभी। राइट आंसर क्या होगा? आई नो यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता का क्षेत्र कौन सा है? ए बी सी डी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, शिक्षण, अधिनियम, मूल्यांकन और सभी। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, सभी लोग कमेंट करो, जितने लोग भी देख रहे हो ना, कंजूसी मत करो यार, कमेंट करने में क्या जाता है। आप इस एक तरह से जब कमेंट करते हो तो यू आर पार्टिसिपेटिंग द एग्जामिनेशन, ऐसा आपको फील होगा कि आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो तो आप उसमें हो। अगर आप जस्ट देखते जा रहे हो, एक तरह से देख रहे हो, तब आपका माइंड कुछ और चलेगा। लेकिन जब आपको पता होगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, केवल आपको सीखना नहीं है, यहाँ से आपको पार्टिसिपेट करना है, आंसर भी देना है, तो चीज़ें आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव वे में रहेगा। इसीलिए कहता हूँ कमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 16 नंबर का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, शैक्षिक तकनीक की आवश्यकता का शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन सभी है। तो आपका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में परीक्षण से अभिप्राय होता है, नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में परीक्षण से अभिप्राय होता है, क्या परिवर्तन लाने से, या नवाचार की व्यवहारिकता की जांच से, या बदलने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में परीक्षण से क्या अभिप्राय होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ 17 नंबर की क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो राइट आंसर है दोस्त, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाचार की व्यवहारिकता की जांच ही क्या है, नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में परीक्षण, कि क्या वो जो नवाचार है, क्या वो हमारे व्यवहारिक रूप में अच्छा होगा हमारे लिए, क्या हम जो समाज में जी रहे हैं उसके लिए वो बेटर होगा, जो चीज़ हम नया अपनाने जा रहे हैं क्या वो हमारे समाज को इन्हेंस करेगा, हमारे समाज को आगे लेकर के जाएगा, या उससे भी खराब कोई चीज़ है जिसको हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो उसका अगर परीक्षण करना है आपको, तो उसकी व्यवहारिकता की जाँच करनी पड़ेगी आपको। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, कि नवाचार ग्रहण की प्रक्रिया में क्या 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 सम्मिलित नहीं है। आप नवाचार ग्रहण करना चाहते हो, अब आपको एक प्रक्रिया है, उसमें क्या सम्मिलित नहीं चीजें, क्या वो बोध है, परीक्षण, ग्रहण या आदत। राइट आंसर क्या होगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होगा। नवाचार ग्रहण करने की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, बोध, परीक्षण, आदत, ग्रहण। राइट आंसर आपका क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, कमेंट करो, कमेंट करो सभी लोग फास्ट फास्ट कि आपका राइट आंसर क्या होगा, नवाचार ग्रहण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, जल्दी से कमेंट करो क्या सम्मिलित नहीं है दोस्त। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी, आदत। नवाचार ग्रहण करने में आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको परीक्षण करना होगा, आपको ग्रहण करना होगा उस चीज़ को, लेकिन हैबिट तो चीज़ें आप जो प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ें हैं, तो हैबिट नहीं आती है उसमें। तो नवाचार ग्रहण करने की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, हैबिट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, कि आत्मविश्वास का अभाव बाधा है, आत्मविश्वास का अभाव बाधा है किसमें, अज्ञान जनित में, व्यक्तित्व विकास में, या सामाजिक में, या क्रियान्वित में, क्या होगा आत्मविश्वास का अभाव किस चीज में बाधा है, अज्ञान जनित में, या व्यक्तित्व संबंधित में, या सामाजिक में, या क्रियात्मक में, किस चीज में बाधा है व्यक्ति का आत्मविश्वास। अगर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो वो किस चीज में बाधा है,
तो दोस्त इसका अगर आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट बताओ, और इसका मैं अगर राइट आंसर बताऊँ आपको तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत संबंधित। क्योंकि अगर आपको खुद पे डाउट है, आत्मविश्वास मतलब क्या, हमारे अंदर का बिलीफ कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इस चीज़ के प्रति हम क्या सोचते हैं, हमारा माइंड किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, वही आपका क्या हो गया, आत्मविश्वास। तो ये व्यक्तिगत ही होता है। तो व्यक्तित्व संबंधी विकास में जो आपका है उसमें क्या होता है, ये बाधा होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवाचार में संचार के साधन हैं, नवाचार में संचार के क्या साधन है आपके ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए है आकाशवाणी, ऑप्शन नंबर बी है आपका दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर सी है आपका रेडियो, सॉरी आपके ऑप्शन नंबर वन में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों आ गए थे, आपका ऑप्शन नंबर बी है रेडियो टेप रिकॉर्डर वीडियो, एंड सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, एंड डी ऑप्शन है कोई नहीं। क्या होगा आपका राइट आंसर? आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे, एंड यू आर गोइंग टू कमेंट फॉर इट। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा, नवाचार से में संचार के साधन क्या हैं। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दोस्त। सभी लोग कमेंट करो यार, आई फाइंड दैट एवरीबडी मस्ट कमेंट, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्त। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना 20 नंबर क्वेश्चन का, वो है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नवाचार में संचार के साधन क्या है, आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन भी है, रेडियो भी है, और टेप रिकॉर्डर भी है, वीडियो भी है, ये सारी चीज़ें संचार के साधन हैं। तो ए और बी आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और इम्पॉर्टेंट दोस्त बात, जो मेरा एक दूसरा चैनल है, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, अरशद खान ऑफिशियल, KHANOFFICIAL, अरशद खान ऑफिशियल जो दूसरा चैनल है, उस पर भी हमने 1000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भी आप लोग जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर के सपोर्ट करो वहाँ। उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ आपकी, कि उस चैनल पर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, तो उस चैनल पर आपको आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में आ रहा है, आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, नेगेटिविटी आ रहा है, आपका रिलेशन है, आपके पेरेंटिंग हो गई, आपका मतलब जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी लग रहा है, जहाँ जिसकी वजह से आप स्टक हो चुके हो अपनी लाइफ में, आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछो अपने कमेंट्स को। आपको इंस्टाग्राम की आईडी मेरा मेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ARSHADKHANOFFICIAL, अरशद खान ऑफिशियल, और यहाँ अंत में वन रहेगा, वन अरशद खान ऑफिशियल वन पर, इस पर जाकर के आप अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, और उसका उससे रिलेटेड क्या उसका सोल्यूशन है, उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ओके, अगर बिजी नहीं रहा वो शेड्यूल उस डे में, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब आपके क्वेश्चंस अगर जेन्युइन हुए, जिससे लोगों की हेल्प होगी, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो जाकर के जरूर उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और लोगों तक पहुंचाओ। बीए स्टडी के भी कम्युनिटी पर मैं डेली आपको अपडेट करता हूं कि क्या वीडियो आई हुई है उस चैनल पे। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवाचार के पदों में कौन सम्मिलित नहीं है, नवाचार के पदों में कौन सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए अज्ञान जनित, व्यक्तित्व संबंधी, सामाजिक, क्रियात्मक। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, सभी के कमेंट्स आने चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। कमेंट करो दोस्त। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक आपका राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़े दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोजर्स ईएम के अनुसार नवाचार की कितनी अवस्थाएं होती है। रोजर्स ईएम ने नवाचार की अवस्थाओं के बारे में बात किया हुआ है, तो उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 2, 3, 4, 5। रोजर ईएम ने कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं नवाचार की, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताओ। सभी की कमेंट्स आने चाहिए, एंड वेट कर रहा हूँ यार मैं तुम्हारे कमेंट्स के, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। रोजर्स ईएम, इसके अनुसार नवाचार की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2, 3, 4, 5, क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का कि क्या होगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका अगर मैं आपको राइट आंसर बताऊँ, तो इसका आपका राइट आंसर होगा रोजर्स ईएम के अनुसार
नवाचार की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दो अवस्थाएं होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रोजर्स ईएम के अनुसार नवाचार की कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इनोवेशन शब्द किस शब्द से बना हुआ है? इनोवेशन जो शब्द है वो कौन से शब्द से बना हुआ है? आपके ऑप्शन है इनोवेटर, इनोवेटरी, इनोवेटिव या इनोवेट। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ सभी लोग कि क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इनोवेशन शब्द किस शब्द से बना हुआ है? इनोवेटर, इनोवेटरी, इनोवेटिव या इनोवेट। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दोस्त। जल्दी से कमेंट करके बताओ इनोवेशन शब्द किस शब्द से बना हुआ है? आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, वो क्या है? इनोवेटिव। इनोवेटिव शब्द से बना हुआ है इनोवेशन शब्द। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार का सर्व प्रमुख आयाम है? इनमें से नवाचार का सबसे प्रमुख आयाम कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन है उत्पादन सेवा, बी है युक्ति विधि विचार, थर्ड है उन्नति होना, चौथा है नवीनता। क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर? व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके हिसाब से 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। नवाचार का सर्वप्रमुख आयाम क्या है? जल्दी कमेंट करो दोस्त, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहो जिससे कि आपका एक रिवीजन बनता चला जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, क्या? युक्त विधि विचार। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में नवाचार का भाग नहीं है? शिक्षा में नवाचार का भाग क्या नहीं? आपके ऑप्शन सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, अध्यापकों का वेतनमान या पर्यावरणीय शिक्षा। तो राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा शिक्षा का नवाचार का भाग नहीं है? इनमें से शिक्षा के नवाचार का भाग कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, अध्यापकों का वेतनमान या पर्यावरणीय शिक्षा। तो कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में नवाचार का भाग नहीं है? कमेंट करो, कमेंट करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। सभी के कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है सभी लोग कमेंट करेंगे। और जो लोग भी नए आ रहे हो चैनल पे ना, या अभी आकर के जुड़ रहे हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक करते रहो यार। लाइक कम से कम 100 लाइक्स तो कंप्लीट कराओ एक वीडियो में। एक वीडियो आपके लिए आ रही है, इतना एफर्ट लगाया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, तो कम से कम 100 लाइक्स तो आपके आने चाहिए। एफर्ट्स की बात करोगे आप तो इतना सारा ढूंढना, 4-5 सालों का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, आपके बुक से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद उसको इस तरह से टाइप करना, टाइप करके उसको आपको प्रेजेंटेशन में लेकर के आना, इस तरह से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर लाना, एक लंबी प्रोसेस है आपके लिए। तो इतना सारा एफर्ट लगाया जाता है। तो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी जानने को मिले, उन लोगों को भी सीखने को मिल सके। ओके, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका अध्यापकों का वेतनमान। अध्यापकों का वेतनमान नवाचार का भाग, शिक्षा में नवाचार का भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये थे दोस्त हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एग्जाम में जाओ, फाड़ के आओ यार, अच्छे तरीके से पढ़ो, एफर्ट लगाओ, मेहनत करो। आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। तो हमेशा आपको चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं। आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीए सेकंड ईयर में हो, बीए थर्ड ईयर में हो, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, एजुकेशन में के सब्जेक्ट लिया हो आपने, आपने जियोग्राफी लिया हो, आपने हिंदी लिया हो, इंग्लिश लिया हो, मतलब हर सब्जेक्ट का जिस भी ईयर के उस सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग जाकर के चैनल पर एक बार विजिट करो, देखो आपको बीए फर्स्ट ईयर में अगर आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पूरा एक सीक्वेंस में आप चीज़ों को पढ़ पाओगे, सीक्वेंस में चीज़ों को देख पाओगे, जिससे कि आपका पूरा एक सीरीज मेंटेन होगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो जाकर के मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बट एक बार जाकर के विजिट करो। इफ़ यू थिंक दैट इज़ वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब कर लेना।
सब्सक्राइब करोगे वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चंस के चाहिए वीडियोस, जाकर के ज़रूर कमेंट करो कि सर ये थर्ड ईयर में या आपके सेकंड ईयर में इस सब्जेक्ट का मुझे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करोगे तो उससे रिलेटेड वीडियोस बनेंगे आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।